हाय दोस्तों, स्वागत है आपके बार फिर से टेक्निकल ज्ञान गणेश में। तो आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ, आपका भी SBI CSB में छोटे ब्रांच में आपका अकाउंट है, उसका ATM कार्ड आप लेना चाहते हैं या आपके पास ATM कार्ड था जो एक्सपायर हो चुका है, अप्लाई करने जा रहे हैं, अप्लाई नहीं हो रहा है किस कारण पर फ्रेंड्स आपका ATM कार्ड अप्लाई नहीं हो रहा है, इस वीडियो में पूरा इन्फॉर्मेशन हम बताने वाला हूँ। तो वीडियो को शुरू से लास्ट तक आप जरूर देखिएगा। और ये भी मैं बताने वाला हूँ, आपके पास ATM है और काम क्यों नहीं कर रहा है, और काम नहीं कर रहा है तो दोस्तों क्यों नहीं कर रहा है, आपको क्या क्या करना है SBI CSP के बारे में दोस्तों फुल ट्यूटोरियल इस वीडियो में हम आपको बताने वाला है। तो स्किप नहीं करिएगा, स्टेप बाय स्टेप आप इस वीडियो में समझिए। दोस्तों मेरा जो इस चैनल है आपको बैंक के बारे में बहुत ही आसान बनाता है, तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर ऑन कर ले दोस्तों। ऐसे क्या होगा, मैं कोई भी वीडियो बनाऊं आपके पास तुरंत नोटिफिकेशन के माध्यम से मेरा वीडियो पहुंच जाए। तो चलिए बिना देरी का वीडियो करते हैं स्टार्ट। स्टार्ट करने से पहले दोस्तों मैं बता दूँ आपको, SBI CSP में आपका भी अकाउंट है, उसमें आपको ATM कार्ड मिला है, और मिला है ATM कार्ड, आप उसको दोस्तों पिन बनाना चाहते हैं या कोई भी परेशानी हो रहा है तो मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका भी लिंक है, वहां से जाके आप वीडियो देख के पिन बना सकते हैं। चलिए दोस्तों अपना जो जरूरी इन्फॉर्मेशन है मैं आपको पहले बता देता हूं। पहले नंबर जो SBI CSP जो आपका ATM कार्ड है उसको अपने अप्लाई कैसे कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, जो SBI CSP का ATM कार्ड है वो दो तरह का होता है, आपको दो तरह का आदमी को मिलता है। तो कैसे आपको, अगर आपके पास है ATM कार्ड एक्सपायर हो गया है तो अप्लाई आप कैसे कर सकते हैं। तो पहले से आपको मैं बता दूं दोस्तों, मेरे बात को ध्यान दीजिएगा, आपके पास आधार कार्ड होना आवश्यक है और जो अकाउंट है उसका पासबुक जीरोक्स कर लेना है, और साथ में दोस्तों आपको पैन कार्ड ही जो बहुत ज़रूरी है। और दोस्तों पैन कार्ड आप बोल रहे हैं क्यों ज़रूरी है, पैन कार्ड तो हर हाल में ज़रूरी है। देखिए आपके पास अगर अंडर एज 18 साल से नीचे हैं, आपने जब अकाउंट खुलवाए थे तो आपका जो है ATM कार्ड वहां पे आपको आ गया था, आ गया उसके बाद आप लोग को क्या हुआ, जो दिन बीतते गए आपका भी अभी भी 18 साल नहीं हुआ, आपका जो ATM कार्ड पहले वाला है वो उसका डेट एक्सपायर हो गया है। आप दोस्तों अप्लाई करना चाहते हैं तो अप्लाई नहीं होता, अप्लाई दोस्तों नहीं होगा, जो SBI CSP का नियम है, यानी कि उसको मान लीजिए किसी का अकाउंट जनधन अकाउंट उसको बोल लीजिए एग्जांपल के तौर पे, दोस्तों वो जो है आपको नहीं मिलेगा जब तक आपको पैन कार्ड नहीं बनेगा, तब तक आपका ATM कार्ड जो है अप्लाई नहीं होगा। दोस्तों इस वीडियो में यही इन्फॉर्मेशन आपको मैं बताने वाला हूं, सो आप लोग बैंक जाके परेशान ना हो और किसी भी तरह के आप टेंशन नहीं ले। आप जिस समय दोस्तों 18 साल के हो जाएगा तो आपको जो पैन कार्ड बन जाएगा, पैन कार्ड बनने के बाद अपना जो है ATM कार्ड है वो बड़ी आसानी से आप अप्लाई कर सकते हैं। और दोस्तों एक्सपायर जिसका भी हो गया है उसका भी दोस्तों अब अप्लाई नहीं होगा, मैं बता देता हूँ A to Z फुल प्रोसेस, आपको बाद में जाके परेशानी ना हो, सोचे समझे नहीं और बैंक में जाके परेशान ना हो, आपका जो ATM कार्ड है वो आपको एक्सपायर हो गया है तो आपका अप्लाई नहीं होगा। और आप लोग का पैन कार्ड है तो मैं, आप लोग को पैन कार्ड बन चुका है 18 साल वाला, तो मैं बता देता हूँ आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट उसमें लगेगा, आधार कार्ड पैन कार्ड खाता की जीरोक्स लगेगा, आपको वहाँ पर दोस्तों एक ATM कार्ड एक फॉर्म लगेगा जो ATM कार्ड अप्लाई करने के लिए काम आता है, उसमें दोस्तों इस साइड में देख रहे हैं यहाँ पर मैं दे दूँगा, वहाँ से दोस्तों आप जाके अच्छी तरह से फिल करके आपको SBI CSP में आपको जमा कर देना है। दोस्तों वीडियो बहुत ही अच्छी तरह से आप समझ में आ गया होगा आप लोगों को, आप लोगों को समझ में नहीं आता है तो कमेंट करके ज़रूर बताएं, मैं आपको तुरंत रिप्लाई देने का कोशिश करूंगा। दोस्तों क्या होता है ना, जो आपका ATM कार्ड है वो अंडर एज में आपको अकाउंट खुलता है तो ATM आ जाता है, उसके बाद आप अप्लाई करना चाहते हैं तो नहीं आता है। तो आप लोग बहुत परेशान थे और हम देखते भी कितने लोग परेशान हुए थे, इसीलिए दोस्तों मैंने जो है इस वीडियो के माध्यम से आपको समझाने का कोशिश किया हूँ। आपका भी 18 साल नहीं हुआ है तो अपना परेशान न होइए, जब तक 18 साल आपका हो जाएगा तो पैन कार्ड बना के आप ATM कार्ड जो है अप्लाई कर सकते हैं बड़ी आसानी से। उम्मीद करता हूं दोस्तों वीडियो में बहुत अच्छी तरह समझ गए होंगे वीडियो दोस्तों, तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर करिएगा, ऐसे ऐसे वीडियो में बराबर आपके लिए लेके आता रहता हूं। उम्मीद करता हूं दोस्तों, चलिए दोस्तों मिलते हैं अच्छी सी वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।